कुंभ इंडिया थिंक टैंक थिंक काउंसिल द्वारा आयोजित ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्क्लेव जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष पत्रकार महान विद्वान आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आदरणीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर एस पी सिंह, कमिश्नर साहब, एडीजी साहब, निदेशक संग्रहालय आईटीसी, आईके संचालक आयोजक जिन्होंने हम सबको कई बार फ़ोन करके और आमंत्रित किया, सौरभ पांडे जी, डीआईजी मिस्टर के पी सिंह, डीएम मेला और संचालक श्री रंजना त्रिपाठी और रतन दीक्षित जी जो उपाध्यक्ष हैं नगर निगम कार्यकारिणी के, और उपस्थित सभी डेलीगेट्स प्रतिनिधिगण और इलाहाबाद के बुद्धिजीवीगण और इच्छुक जो इलाहाबाद के कुंभ से अभी अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे सभी अतिथिगण। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बार कुंभ में कई बातें नहीं हो रही हैं। कुंभ तो शताब्दियों से हजारों साल से है और कुंभ का अनुभव इलाहाबाद बैठे हुए जो लोग बाहर से आए मैं उनका तो नहीं जानती, पर जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ हो, प्रयाग की धरती पे हुआ हो, उसका तो रोम रोम जानता है कि कुंभ का महत्व क्या है। उसने कुंभ को देखा ही नहीं है, कुंभ को जिया भी है। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो शायद पहली बार आ रहे हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो देश के कोने कोने से आए जाए एकत्रित हुए हैं अपना सुझाव देने के लिए। ज़रूर आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उनको अनुसरण भी किया जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इसमें समायोजित करने का पूरा रूपरेखा तैयार है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगी कि कुंभ महसूस किया जा सकता है, ये जो इवेंट है, ये जो एक हमारे नक्षत्रों का समागम पर जो ये कुंभ और महाकुंभ होता है, इसको अनुभव करके आप ही जान पाओगे। देश का जो व्यक्ति यहाँ नहीं आया है वो नहीं जानता कि कुंभ और कुंभ के मार्ग में क्या होता है और कैसी अनुभूति होती है। एक विचित्र माहौल और वातावरण होता है। आपने सुना कि कितनी बड़ी वृहद तैयारी, मैं मुझे ठीक से नहीं पता, पर इलाहाबाद नगर की कुल आबादी 11-12 लाख होगी इस समय, और आप खुद देख रहे हैं अभी बताया गया आपको कि करीब करीब 16 लाख लोग लगातार को 20 लाख लोग कुंभ के हमारे संगम के तटों पर बसेंगे, कल्पवास करेंगे, यानी कि देवड़ा नगर यहाँ पर एक नया नगर बनेगा। और जिस तरह से उसकी व्यवस्थाएं होती हैं बहुत दुर्लभ और कठिन होती हैं, रेत है, बरसात खत्म होने से पहले आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर उसके बाद 2 महीने के अंदर जो कायाकल्प उस क्षेत्र का, संगम क्षेत्र का और इलाहाबाद का होगा, उसका अनुभव अभी आप नहीं कर सकते। अभी टूटी सड़कें तो दिख रही हैं, पर आप नवंबर में जब आएंगे तो इलाहाबाद जगमगाता हुआ मिलेगा, प्रयाग की धरती जगमगाती हुई मिलेगी। और क्यों मिलेगी, ये हमारे कमिश्नर साहब बताना भूल गए कि पिछले बार महाकुंभ था जो 12 साल के अंतराल पर होता है, और उसका बजट क्या था, 1300 करोड़, जिसमें 1100 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया और 200 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया, और इस बार का बजट है 3000 करोड़, जिसमें 2000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है और करीब करीब 1100 करोड़ केंद्र सरकार से हमको प्राप्त होगा। मैं पर्यटन मंत्री हूँ, हमारा पूरा बजट पिछले 70 सालों में पर्यटन विभाग का पूरे प्रदेश के लिए बजट 70 करोड़ के ऊपर नहीं गया। केंद्र से जो योजनाएं उसको छोड़ दीजिए, ये पहली बार है कि हमें 40 करोड़ सिर्फ कुंभ के कामों के लिए दिया जा रहा है, 40 करोड़ रुपए। पिछली बार कितना मिला था महाकुंभ में, कुल 9 करोड़। अब आप देखिए, लुक एट द डायमेंशन, कि कहां से कहां कुंभ को ले जाने की एक परिकल्पना केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की है। कुंभ महत्व है, एक समागम है, एक समागम अध्यात्म का समागम है, वैचारिक समागम है। यहाँ संसद लगती है जिसमें हिंदू धर्म के विभिन्न विचारों के लोग, शैव हों, शाक्त हों, वैष्णव हों, जैन हों, बौद्ध हों, सिख हों, शंकराचार्य हों, एक से एक महान विद्वान जो कि अध्यात्म को जानते हैं, जो धर्म को जानते हैं, जो हमारे परंपराओं को, हमारी संस्कृति को की व्याख्या करते हैं, जब वो आते हैं और जब उनके प्रवचन होते हैं, जब ध्वनि गूंजती है, तो हमें लगता है कि हम इस लोक में नहीं
परलोक में है ऐसा माहौल और वातावरण वहाँ पर बनता है। इसका अनुभव मैंने बचपन से किया है और ये जो पूरा समागम है ये समागम मात्र मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ श्रद्धालुओं का ही मात्र नहीं है, संतों का ही मात्र नहीं है। यहाँ पर जो पूरे देश से यहाँ सवान लोग आते हैं और बहुत लोग तो आते हैं अपना योगदान देने के लिए, सोशल सर्विस के लिए, सामाजिक अपनी ओर से योगदान देने के लिए। न जाने कितने लोग यहाँ पर टेंट्स लगाते हैं, न जाने कितने लोग यहाँ पर आकर अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं, वो भी अभूतपूर्व है। राजा हर्षवर्धन तो आते थे, सब कुछ छोड़ के चले जाते थे। बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह का काम करती हैं। और मेरी माँ खुद कमला बहुगुणा जी ने 1954 में शुरू किया था कुंभ में और अर्धकुंभ में भूली भटकी महिलाओं बच्चों का शिविर चलाना। और तब से लेकर आज तक जब मैं 65 में 12 साल की लड़की थी, पहली बार मुझको अनुभूति हुई कि किस तरह का काम वो करती हैं। बिना किसी सहयोग के, अपने संसाधनों से, लोगों के सहयोग से, तब से लेकर अपनी मृत्यु तक 2001 तक उन्होंने लगातार कुंभ में भूली भटकी महिलाओं और बच्चों का शिविर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उन्हें लगता था अब रेत गिरती चलती है, लोग पानी में घुसे ना स्नान के लिए, बच्चे को एक जगह बिठा दिया, रेत के साथ खिसक के वो 5 मीटर दूर चले गए। अब पता चला बच्चा खो गया, रो के इधर उधर चला गया। बूढ़ी औरतें खो जाती हैं, महिलाएं खो जाती हैं जो गांव से आती हैं, बहुत लोग अपना नाम भी नहीं बता पाते। तब वो हमारे यहाँ लाए जाते हैं वॉलेंटियर्स के द्वारा, हम उनको हटाते हैं। वो क्या मैं चलाती हूँ, मैं माता ने मुझसे वचन लिया था कुछ करो ना करो ये हमारा शिविर बंद नहीं होना चाहिए। और 40 से 50 हज़ार बच्चे और महिलाएं उस कैंप में आते हैं और जाते हैं 1.5 महीने के अंदर। इस तरह के न जाने कितनी गतिविधियां हैं जो आपको वहां पर मिलेंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ ये जो कार्यक्रम, ये जो पूरा समागम है, गंगा यमुना सरस्वती जैसी पावन नदियों का यहाँ पर संगम है। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कुंभ में डुबकी लगाना का सबाब उतना ही मिलता है, उतना ही उस पवित्र हो है, उतना ही उसका महत्व है जितना 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का है, उतना महत्व एक हमारे इस पर्व का होता है। और इसीलिए इसकी कैदी कोई मोक्ष लेने के लिए आता है, कोई अपने पापों को छोड़कर जाने के लिए आता है, कोई क्षमा याची होता है, कोई मात्र आस्था के लिए आता है। जो आता है कि हम इसमें डुबकी लगाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आस्थाओं का देश है, आध्यात्म का देश है, चिंतन का देश है। इसलिए वैचारिक आधार हो, चाहे आध्यात्मिक आधार हो, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये अनुभूति विश्व के सबसे बड़े समागम में संगम नदी के किनारे होती है, प्रयाग की धरती पर होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब यहाँ पर कई लोग बहुत बड़ी संख्या में हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो इसी धरती के हैं। जो बाहर से आए हैं आप लोग ज़रूर अपना सुझाव दीजिए, कैन सी नंबर ऑफ यंग पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आई एम श्योर यू हैव मेनी न्यू थिंग्स टू टेल अस एंड न्यू स्ट्रैटेजीज दैट वी कैन अडॉप्ट फॉर दिस मेला। मिलिंद बैठे हैं यहाँ पर, मिलिंद राज तो आजकल गजब किए हुए हैं। वो क्या होता है वो, वॉट इज या ड्रोन ही ये तो नई नई चीज़ें ड्रोन में निकाल रहे हैं। और ये भी मैं मेला से सोच, इनका मैंने करतब लखनऊ में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कैसे गहरे नाले में एक बच्चा गिर गया था एक, और उसको गाय का किस, इट वॉज अ पपी, एक कुत्ते का बच्चा गिर गया था, मर रहा था, कोई निकाल नहीं पा रहे थे, उन्होंने ड्रोन डालकर उसको और पता नहीं क्या हाथ वाथ लगा के निकाल लिया। नई टेक्निक थी, पहली बार हिंदुस्तान में हुआ था। भले ही वो एक जानवर पर हुआ जिसकी कीमत जान की है, परंतु एक नई टेक्नोलॉजी देश में आई पहली बार। ऐसे न जाने कितने सुझाव आएंगे। 1100 से ज़्यादा तो CCTV कैमराज लग रहे हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो रही है। और अब की बार पहली बार सैनिटेशन को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोगों का प्रयास है, मैं भी और केशव प्रसाद जी भी और हमारे मौर्या जी और मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री से निवेदन किया है कि जो इलाहाबाद का फोर्ट है उसको
खोल दें लोगों के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा अक्षयवट है जिसको लोग जिसका फेरी करते हैं। सरस्वती कुमा पर कुंड है जिसको लोग देखना चाहते हैं, कहते हैं सरस्वती का उद्भव वहीं से हुआ था, तो उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम कह रहे थे भी गोयल जी से, सब तो आप बोल दिए, हम क्या बोलें, हम तो पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें भूल गए, बहुत अच्छा हुआ। पहला तो ये कि हम एक लेज़र शो करेंगे और लेज़र शो दुर्ग के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में लेज़र शो का प्रारंभ होगा और वो भी कुंभ नगरी से होगा। साथ ही साथ हम लोग 30 थीम गेट्स बनाएंगे विभिन्न थीम्स पर, जो कि कुंभ से संबंधित हैं। जगह जगह द्वार बनाए जाएंगे, 30 द्वार बनाए जाएंगे हमारे द्वारा। और ये जो एयर कंडीशन टेंट सिटी है 6500 टेंट्स की, वो भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर दे दिया है और लोग बना रहे हैं और इतने उत्साहित हैं कि अभी से विदेशियों ने बुकिंग करनी शुरू कर दी है। एक दर्जन से ज़्यादा देश से लोगों की बुकिंग्स भारत में हम लोगों को प्राप्त होनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह से जैसे इन्होंने कहा फूड कोर्ट्स हम बनाएंगे, पूरे देश के व्यंजनों को हम प्रयास करेंगे कि जगह जगह नगर में और कुंभ के क्षेत्र में उसका आप लोगों को आनंद प्राप्त हो, उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे काम किए जाएंगे और जितने करीब करीब एक अठारह उन्नीस मंदिरों पर, जो कि यहाँ पर कुंभ के आस नगरी के आसपास प्रयाग के या थोड़ा बाहर 30-40 किलोमीटर में जिनकी मान्यता है, उनका भी हम लोग सौंदर्यकरण कर रहे हैं। एक 15 दिन के अंदर उन पर काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे काम हैं। सांस्कृतिक ग्राम बनेगा, जैसे आपने कहा भारत की छटा, उसकी संस्कृति, उसकी कलाएं देखने को मिलेंगी। और अंततः मैं यही कहूँगी कि मैं सबसे कहती हूँ दुनिया में, टीवी पे नहीं देखना, फिल्म में मत देखिएगा, आप भी जगह जगह कहिए। और अब इस बारे मालूम है आपको, प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था कर रहे हैं कि हर गांव से चार चार लोग भारत के, पूरे भारत के हर गांव से चार चार लोग अलग अलग दिनों पे यहाँ पर आएंगे और कुंभ में वो कुंभ का आनंद लेकर जाएंगे। तो जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, वो हमें बहुत बहुत नई अनुभूतियाँ अनुभव देने वाला है। और मैं समझती हूँ हम सब मिलकर करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा मेला तो है, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा भी बन रहा है और बनेगा। इसमें आधुनिकता होगी, परंपरा होगी, हमारा अध्यात्म होगा, चिंतन होगा, धर्म होगा, संस्कृति होगी और इसका प्रचार पूरे विश्व में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे निमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया। वैसे मैं अभी आदरणीय अध्यक्ष जी से कह रही थी, आदरणीय निर्दना दीक्षित जी से, कि भाई आपके सामने तो जब आप बोलते हैं तो लगता है न जाने कौन सा ज्ञान का खान बाहर निकल रहा है। और आपकी वाणी जिसने नहीं सुनी वो भी बड़ा भागा होगा। इसलिए जब आप यहाँ आज इसका एक्सपोजिशन करेंगे सब्जेक्ट का, तो मुझे मालूम है कि उससे ज्ञान ही नहीं मिलेगा, उत्साह भी मिलेगा और हम लोग इंस्पायर भी होंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।